किसानों ने अबोहर से भाजपा विधायक अरुण नारंग का विरोध किया। किसानों ने उनके कपड़े फाड़ दिए और उन्हें नग्न कर दिया। वे मलोट से भाजपा कार्यालय में एक बैठक में गए थे। पुलिस उन्हें किसानों से बचाते हुए बाहर निकाल कर ले गई। पुलिस ने उन्हें पास की दुकान में ले जाकर शटर बंद कर दिया। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। शनिवार को किसानों ने पंजाब में मुक्तसर जिले के मलोट में भाजपा विधायक अरुण नारंग को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस घटना में उनके कपड़े तक फट गए और उन्हें काफ़ी चोटें आईं। अरुण नारंग अबोहर से भाजपा के विधायक हैं। अरुण कृषि कानून के समर्थन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मलोट गए थे। किसानों को उनके आने की खबर लगी तो वे मलोट में भाजपा कार्यालय के बाहर जमा हो गए। किसानों को जमा होते देख पुलिस विधायक को निकाल कर ले जाने लगी, लेकिन किसान उनके पीछे लग गए। पुलिस विधायक को एक दुकान के अंदर ले गए। किसानों ने ये देख लिया और वो उस दुकान के बाहर धरने पर बैठ गए। ये देख पुलिस ने दुकान अंदर से बंद कर ली। इस बीच किसानों ने विधायक की गाड़ी पर काली पोती और तोड़फोड़ की। कुछ देर बाद पुलिस नारंग को दुकान से निकाल कर ले जाने लगी। किसान भी उनके पीछे दौड़े। ये देखकर विधायक और नेता जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगे। पुलिसकर्मियों ने जब उग्र किसानों को रोकने की कोशिश की तो दोनों तरफ से झड़प शुरू हो गई। इस बीच किसानों ने विधायक को पकड़ लिया और उनके साथ धक्का मुक्की करते हुए उन्हें पीटने लगे और उनके कपड़े फाड़ दिए। उसके बाद पुलिस ने किसी तरह विधायक को बचाया और अपने साथ ले गई। विधायक अरुण नारंग बीजेपी के जिला प्रधान भी रहे हैं, एक बार पार्षद भी रह चुके हैं और एक पार्षद का चुनाव हार भी चुके हैं। साथ ही आरएसएस के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। बीजेपी ने इस हमले की घोर निंदा करते हुए कहा कि कैप्टन सरकार कानून व्यवस्था की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रही है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में राजनीति सबसे निचले स्तर पर छूने लगी है। कांग्रेस सरकार इतिहास में दर्ज हो जाएगी।